हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। और आज के वीडियो में आप जानोगे कि 6 मंथ के बेबी की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। आप इस वीडियो के थ्रू अपने बेबी को मेरे बेबी के साथ कनेक्ट कर पाओगे और देख पाओगे कि आपके बेबी के अंदर कौन कौन से चेंजेज हो रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 6 मंथ के बेबी का जो वेट होता है वो उसके बर्थ के समय के वेट का जस्ट डबल हो जाता है। यानी कि 6 मंथ के बेबी का जो वेट होता है वो 7 kg से लेकर 8 kg के बीच में होता है एंड जो हाइट होती है वो 25.5 इंच से 26.6 इंच तक होती है। 6 मंथ बेबी की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही होती है। अब बेबी स्माइलिंग, लाफिंग, बेबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे मम्मा, पापा, बाबा या फिर कोई भी फैमिलियर फेस जिसे वो डेली देख रहे होते हैं उन्हें पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चे फैमिलियर वॉइस या फिर अपने नेम के साउंड पर रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो मेरी गपुड़ी, अरे हाँ, हेलो हेलो, बच्चों से ज्यादा बातें कीजिए। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, वो जल्दी बोलना सीखेंगे। वैसे तो बच्चे 4 मंथ के बाद से रोल ओवर करना स्टार्ट कर देते हैं एंड 6 मंथ आते आते बच्चे फ्रंट एंड बैक बोथ साइड से रोल ओवर अच्छे से कर लेते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 मंथ तक रोल ओवर करना स्टार्ट नहीं करते, तो आपको परेशान नहीं होना, वो 7 मंथ में भी कुछ बच्चे रोल ओवर करना स्टार्ट करते हैं। कर देते हैं। अब बेबी अपने सराउंडिंग में जो भी देख रहे होते हैं उसे ऑब्जर्व करते हैं। इस टाइम पे आप बेबी के साथ प्ले कीजिए, उसे आसपास बाहर लेके जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप बेबी के साथ कुछ ऐसे गेम है जो प्ले कर सकते हैं, जैसे आप बच्चों के साथ पिकाबू गेम खेल सकते हो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उन्हें राइम सुना सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, क्लैपिंग करना सिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। ये सब गेम बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अंत में बच्चों की जो पकड़ होती है वो पहले से स्ट्रांग हो जाती है। अब बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट या टॉय जो उनके हाथ में होते वो एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, मुंह तक ले जाना या फिर उसे काफ़ी देर तक पकड़ के रखना। अगर आपका बेबी अभी तक बैठना स्टार्ट नहीं किया है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम दीजिए, आप उसके बैठने में हेल्प कीजिए, जैसे उसे पिलो की हेल्प से आप उसे बैठाना सिखा सकते हो। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर बेबी बर्थडे, क्योंकि आपने और आपके बेबी ने जो बिगेस्ट माइलस्टोन था वो अचीव कर लिया है। अब आपका बेबी 6 मंथ का हो गया है एंड अब वो सॉलिड के लिए भी रेडी है और उसने हाफ फेज 1 ईयर का जो होता है वो कम्प्लीट कर लिया है। इस फेज को जितना ज़्यादा हो सकता है सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, मेमोरीज कलेक्ट कीजिए, क्योंकि बाद में तो सिर्फ मेमोरीज ही रह जाते हैं जिन्हें हम देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं।
अब हमारी बीबी का हाफ वे कंप्लीट हो गया है, अब वो जो स्लीपिंग रूटीन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब बीबी डे में 2 या 3 नेप लेते हैं एंड नाइट में जो नेप होती है वो पहले की कंपेरिजन में लॉन्ग नेप हो जाती है। 6 मंथ की एज में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। सबसे पहले जो टीथ आते हैं वो नीचे की तरफ के आते हैं। बच्चों के जो टीथ आते हैं वो हमेशा 2 के पेयर में आते हैं। सिक्स मंथ के बाद बेबी सॉलिड के लिए रेडी हो जाता है और हम उसे सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को सॉलिड किस तरीके से देना चाहिए, उनका फर्स्ट फूड क्या होना चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, इस पर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से देख। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको और भी ऐसे वीडियो मिल सकें।